का आशीर्वाद नहीं आपको। आशीर्वाद मत दीजिए, पर कम से कम हमारा घर तो मत उजाड़िए। हमको निशा वापस कर दीजिए बाबूजी। फिर हम कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम निशा से बहुत प्यार करते हैं बाबूजी। प्लीज उसे हमें वापस कर दीजिए। पर वो है कहाँ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ लोग उसे किडनैप करके यहाँ ले आए और महाराजगंज में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हमारी मर्जी के खिलाफ तो तुम शादी भी नहीं कर सकते थे। हम चाहते तो शादी से पहले उस लड़की को, मगर हम चुप रहे तुम्हारे मां की खातिर। बहुत एहसान किए थे। आज तक हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारा बच्चा का जिंदगी खराब हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। काहे? इस घर में हमारा भी कुछ हक है। देखिए, निशा को हम अपना बहू मान चुके हैं। भलाई इसी में है कि बहू जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। चल श्रीकांत। बाबा, पता करो कौन सब है। अरे हम कह रहे हैं ना, एकदम सॉलिड न्यूज है। नहीं तो ये श्रीकांत बाबू यहाँ क्या जलेबी छानने आए हैं। अरे तुमको ये सब न्यूज कौन देता है? बैजू ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अरे यहाँ बैठ के हम खाली चूना नहीं लगाते, हवेली में हमारा भी जासूस है। अरे भाई, CIA में तुमरे आदमी है ना। एक तो हमारा मगई लगाई है। सुन रहे ना दिनकर जी, बैजू एक दिन आपके अखबार को भी फेल कर देगा। तो कह रहा है कि अमरकांत जी के बहू को किडनैप करके यहाँ महाराजगंज लाया गया है। अरे ये तो एकदम आइटम बम फोड़ने वाला न्यूज है। ये महाराज जल्दी छापिए, नहीं तो रह जाइएगा पीछे। अरे आप लोगों का बस चले ना तो चीन पर अमेरिका का हमला करवा दीजिएगा। अब घबराते कहाँ है दिनकर बाबू, एक दिन उहो हो जाएगा। जी जी, हमारा हम कुछ नहीं किए हैं। तू जुत्ता खींच के ना दिमाग ठिकाना पे आ जाए। नहीं किया है तो ऐसा ही श्रीकांत का मेरा गायब है। अरे मर्दानगी मर गया है क्या कि अब औरत लोग को उठाने लगा है? अब उठाए ले लस तक का कइल। ठीक है तो कइले बा। चुप कर, तू चुप कर। बिंदा अपना बहन के छिंगावा। जीजा जी, आपका कसम हम बोल रहे हैं, दीदिया तूर कसम। श्रीकांत के मेहरारू को हम नहीं उठाए हैं। हमारा कोई हाथ ही नहीं है इस केस में। तो और कौन कर सकेला ये काम? इंदा जी, पता करा कौन है जो हमारा कंधा पे बंदूक रख के दाग रहा है। जी पता कर। और जुत्ता का काल उतार दे, काल उतार दे। कौन कौन क्या रे साहब, मेहरारू को खाता रे ना भैया जी। सामने आई के हमका तो खुद दो मेहरारू है। दो मेहरारू साहब। ए बस बस उधर पकड़ा गया होगा। ये चन्नी चोर का काल में था मैं कि अमरकांत के बहू को उठावेगा। काम कोई बड़ा आदमी का है। साला पूरा महाराजगंज के चोर चुहार को इकट्ठा कर लिए, कुछ पता नहीं चल रहा है कौन किया है कांड। बक 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 बक। कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये दिन देखना पड़ेगा। आज अपना ही औलाद हम पर उंगली उठा रहा है। बड़ा बेटा कहता है कि हम उसका अन्याय किए, उसकी मां के साथ अन्याय किए, घर छोड़ के चला गया। और अब दूसरा बेटा कहता है उसका जिंदगी खराब कर रहे हैं। अच्छा है सब, दुनियादारी का समझ नहीं है ये लोग को। बाबा तुम तो जानते हो हम कौन सा हाल में दूसरा ब्याह के लिए तैयार हुए। अगर हम दूसरा ब्याह नहीं करते तो गीता का जिंदगी बर्बाद हो जाती। खानदान के नाम पे बट्टा लगता सो अलग। किससे कहा है? आप अपना जी हल्का मत कीजिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा अंदर से टूट से गए हैं, साला दुनिया से तो लड़ लेंगे लेकिन अपना ही पराया हो जाए तो। सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, सब काम धाम संभाल लेगा। हम भी जयकांत से बात करेंगे। कोनो फायदा नहीं, वो समझता है उसकी मां की मौत का जिम्मेदार हम है। भगवान जानता है एक पल के लिए भी गायत्री को भूले नहीं है। हम समझाएंगे विजय को, हमारा बात वो कभी नहीं टालेगा। जिद्दी है, टस से मस नहीं होगा, हम जानते हैं। हमारे जीते जी हमारा मुंह तक नहीं देखेगा। दवा खा लीजिएगा। आज में दौड़ा दिए, कल सवेरे तक दुल्हन का पता चल जाएगा। मैडम ये रोना बंद कीजिए और ये खाने का वक्त है, खाना खा लीजिए। तुझे बंद करके क्यों रखा गया? देखिए वो हम सब नहीं बता सकते, खाना खाइए ना। क्या है यार? क्या बताइए ना, बताइए ना। तो बड़ी सनसना गई है, बता रहे हैं पैक बनाया। भैया बताइए ना, बताइए ना मुझे क्यों बंद करके रखा है? अरे पांडे यार इसको बांधो, बहुत हल्ला कर रही है। अरे ऊपर से ऑर्डर है सलीम, माल डैमेज नहीं होना चाहिए। सिर्फ बांधने के लिए कह रहे हैं पांडे भैया, डैमेज करने के लिए थोड़ी कह रहा है। हाँ हंस लो और का, हंसी के अलावा कहाँ आता कहा यार। चुप, सबका फोन है यार। जी साहब, नहीं साहब अब कोई तकलीफ नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं सर जी, एकदम फुल सिक्योरिटी है साहब जी। जी सर। अच्छा सर जी, जी सर। तो बड़का वीआईपी माल है हो। वीआईपी? और का तो अमरकांत बाबू की बहू है का? अरे बता रहे हैं एकदम टेंशन हो गया है, खबर लीक हुआ दोनों तरफ से मारे जाएंगे। चल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चल पत्ता फेंक। हम जरा हो गया थे, बहुत जोर का लगा है। जावा अभी वक्त तो निकल ही जाता है। अच्छा खाना हेलो। बहुत टेंशन में है का बाबा, समझ लो आपके टेंशन का दवाई हमारे पास है। इधर हम मुखोले, उधर आपका टेंशन खत्म। कौन बोल रहा है तू? इतना इतना गुस्सा होने की जरूरत ना है बाबा, हम तो आपका टेंशन खत्म करना चाहते हैं। भैया जी की बहू का पता है हमारे पास। कहाँ से बोल रहा है तू? बताएंगे बाबा, दवाई का फ्री में मिलता है, कच्ची पुलिया पर आ जाइए और खरीद लीजिए दवाई। हो किससे बता रहे थे? ओ दोस्त का फोन था, उसका बेटा बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हमको, अब संभाल लेना। नहीं आप जाइए, निश्चिंत जाइए। ये तैयारी तो पूरी है ना? जी। ये साला है कौन, हमसे सौदेबाजी कर रहा है? साले को कुट्टी कुट्टी काट के गंगा में बहा देंगे। बेवकूफी मत करना। पैसा मांगता है दे दो, पहले पता तो चले ये लड़की कहाँ है। जाइए। ठहरिए, हम भी आपके साथ जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, वहां खतरा हो सकता है। जिसकी पत्नी को खतरा हो वो जान की परवाह नहीं करता। निशा आज भी आपके लिए सिर्फ एक लड़की भर है, बहू नहीं, लेकिन मेरी वो पत्नी है। बाबा संभाल लीजिए। चिंता मत कीजिए। यहाँ तो कौनो नहीं दिख रहा है। बोला है तो आएगा जरूर। नहीं कौनो सेटिंग तो नहीं है। ये कोई आ रहा है? वाले में पूरा मातम बना रहा है सब। साला पुलिस का याद में निकला। वो तो जूता और बेल्ट से ही पता चल गया था, लेकिन ये पुलिस वाले को मुखबरी करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगे। हम कुछ समझना नहीं चाहते, हमको निशा सही सलामत चाहिए बस। मिल जाएगी, हमने वादा किया है। आप लोगों को जो कुछ करना है कीजिए, पर एक बात का ध्यान रखिएगा बाबा, निशा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर निशा को कुछ हो गया बाबा, उस पुलिस वाले को मारने वाला पुलिस वाला ही है। ये एसपी साला गलत। ये एसपी तो मोहरा है। मोहरा की चाल कोई और चल रहा है। बाबूलाल पे नजर रखने के लिए आदमी लगाओ, तो पता लगाओ कि उस पुलिस वाले को गोली किसने मारी है। अगर उस आदमी का पता लग गया तो लड़की का पता भी लग जाएगा। भाई, दुल्हन के कुछ पता चलल का? कैसे पता चलेगा माँ? घर के लोग ही नहीं चाहते कि उसका पता लगे। कहे? का भाई? बाबा रितेश तो साथे गए ले लोग। साथे गईला से हुई या कुछ कहला से हुई, कोई कुछ करते नहीं खे। खाली आदमी दौड़ावत बा लोग। वहाँ पहुँचते ही जौन आदमी निशा का पता बतावे वाला रहे ओकरा के मार दिलन सा। के मार दिल? अब हम का जाने की के मार दिलस। हम पूछत है के केकरा के पता रहे कि वो आदमी हमनी के निशा के पता बताए वाला रहे। चाहे बाबूजी के पता रहे, चाहे बाबा और रितेश के, ये लोग मरवाई ले हुए। वो लोग ऐसे काहे करी? ये तो तू बाबूजी से जाके पूछ ना। तो हर बाबूजी ऐसे कभू ना करी। उनका तरफदारी मत कर मां। बाबूजी सबहो कर सकला। उनका निशा से घृणा, उनका बुझाता कि निशा के कारण उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया। अच्छा तू चिंता मत करा, निशा के कुछ ना हुई। हम आज रात तोहर बाबूजी से बात करब। और एक बात याद रख माँ, अगर निशा को कुछ हो गई तो अपना बेटा से हाथ धो दे।